हाय यू गाइस, मेरा नाम है इना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। भाई क्योंकि हम इतनी चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं तो भाई मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपको रिपोर्ट राइटिंग के बारे में सिखाऊं कि रिपोर्ट राइटिंग, ये बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है और क्यों है ये बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग इंपॉर्टेंट। और क्योंकि अब आप एक ऑफिस में अगर मेरे इंस्ट्रक्शंस पे चलते रहे तो आप एक ऑफिस में पहुंच जाएंगे, और ऑफिस में ही क्यों, कई जगहों पे ये रिपोर्ट राइटिंग बड़ी काम आती है, पर अगर आप एक ऑफिस में हैं तो भाई रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह की रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं, किस तरह से आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग को प्लान कर सकते हो। तो दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट वेयर आई विल बी टीचिंग यू कि किस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं और उसके अलावा आप किस तरह की रिपोर्ट्स लिख सकते हो, क्या करना है आपको रिपोर्ट से पहले, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है आपको रिपोर्ट के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। सो यू ऑलरेडी नो मी, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग जो है, इट्स एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑफ डेटा, रिसर्च इन्फॉर्मेशन एंड अदर नेसेसिटीज डिटेल्स टू हेल्प द डिसीजन प्लानर्स टू फॉर्म द प्लान एंड ऑब्जेक्टिव एंड हेल्प्स द कंपनी। आपको ये जो फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट है ना, बेसिकली ये इसीलिए बनाई जाती है कि आप बिजनेस को किस तरीके से बढ़ा सकते हो, बिजनेस को किस तरीके से हेल्प कर सकते हो, क्या नेसेसरी डिटेल्स हैं जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगी, इसीलिए बनाई जाती है एक रिपोर्ट। जैसे होता है एक रिपोर्ट कार्ड जो बताता है आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में कि भाई पहले आपके 10 नंबर आ रहे थे, अब 20 आ रहे हैं, अब 50 आ रहे हैं, अब आपके धीरे धीरे करके इस तरीके से नंबरों में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक, तो हम आ जाते हैं अगले पार्ट पे जहां पे मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट। तो सबसे पहले जो आती है हमारी वो है दैट इज जस्टिफिकेशन या रिकमेंडेशन रिपोर्ट। तो इसका इसका मतलब क्या है, ये क्या बताता है आपको, तो रिपोर्ट इज द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट इज द आइडिया टू मैनेजमेंट। अगर आपको कोई नया आइडिया देना है तो यहाँ पे आप रिकमेंडेशन रिपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसमें आप लिख सकते हैं कि दिस इज अ रिकमेंडेशन रिपोर्ट। द बॉडी वुड इंक्लूड सेक्शंस लाइक रिस्क, कॉस्ट एंड बेनिफिट। तो ये सब क्या है, ये आपकी हेल्प करेगा रिस्क कैलकुलेट करने में, कॉस्ट कैलकुलेट करने में और बेनिफिट कैलकुलेट करने में कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से आप क्या क्या कॉस्ट है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप 500 क्लचर्स बनाना चाहते हो, मेरे सामने क्लचर था तो मैंने क्लचर का एग्जाम्पल दिया, तो भाई इसका कॉस्ट क्या है, इसका रिस्क क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको पता चलेंगी। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टिगेट। तो इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है द पोटेंशियल ऑफ अ स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी। अगर अपॉर्चुनिटी ये है कि नटखट ने 2 रुपए से नटखट को 5 रुपए पे शिफ्ट कर लिया, तो भाई 5 रुपए का जो ये नटखट है ना, अब क्या इसकी कितनी अपॉर्चुनिटी है कि इसको 20 रुपए पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। जिसने नटखट नहीं खाया हो भाई तो वो जरूर गूगल करें या मुझे बताएं, मैं उसके पास नटखट भेजूंगी। सो डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन, आई होप दैट यू नो कि भाई जो नटखट के पैकेट्स हैं अभी 20 रुपए में भी शिफ्ट हो गए हैं। ठीक, उसके बाद आ जाता है कंप्लायंस रिपोर्ट। सो प्रेजेंट द पोटेंशियल रिस्क ऑफ अ स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी। कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है इसके क्या क्या रिस्क हैं, ये कंप्लायंस रिपोर्ट में पता चलता है। भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये एक फोन लॉन्च करा है, अब जब मैंने ये फोन लॉन्च करा है तो वो आपसे एक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी में जानना चाहता है, पोटेंशियल इसके रिस्क जानना चाहता है कि अगर हम हर साल, जैसे हमने पहले नॉट वन बनाया, अब हम नॉट टू बना रहे हैं, तो इसके कितना चांसेस है कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर नॉट वन अच्छा नहीं आएगा तो नॉट टू कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा। सो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे क्या रिस्क हैं और हम किस तरीके से इनको आगे बढ़ सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फीजिबिलिटी रिपोर्ट। तो जो फीजिबिलिटी रिपोर्ट होती है ये एनालाइज करती है आउटकम पे या प्रपोज्ड आइडिया पे। तो ये क्या करती है, एक प्रपोज्ड आइडिया पे काम करती है कि क्या किस तरीके के हम नए नए आइडियाज को प्रपोज कर सकते हैं, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है, एसोसिएशन क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इस सब के पीछे का आइडिया जो है ये एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट आपको बताएगी। ठीक है, तो भाई अगर आप कोई रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि उसका उस रिपोर्ट का नाम क्या है, तो डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह की रिपोर्ट्स आप फॉर्म कर रहे हैं। ऑलराइट, सो ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन आ जाता है दैट विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द रिसर्च स्टडीज। सो रिसर्च स्टडीज रिपोर्ट क्या होती हैं, सबसे पहली होती है एक पीरियोडिक रिपोर्ट आती है। तो पीरियोडिक रिपोर्ट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करी जाती है कि ये प्रोडक्ट और सर्विस क्या है आपकी रिपोर्ट का, ये उसको बताने में आपको हेल्प करेगी कि आपके
प्रोडक्ट की सर्विस क्या है, पॉलिसीज क्या है, पोजेस कैसे कर रहे हो आप, ये सारी चीजें. नेक्स्ट आ जाएगा सिचुएशनल रिपोर्ट. सिचुएशनल रिपोर्ट का मतलब होता है दैट डिस्कसेस अ स्पेसिफिक टॉपिक. भाई कोई कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, आने वाली है कुछ समय में, या कोई सिचुएशन आपके पास अराइज हो गई है, कोई एकदम से यूनियन वालों ने दंगा कर दिया है, पर इस पे आपको पहले एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि भाई किस वजह से यूनियन वाले जो इतना है तब परेशान कर रहे हैं, इतना दंगा कर रहे हैं, या जो भी उनकी मांग है, हम बींग एज अ मैनेजमेंट हम उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं, ये सारी बातें. नेक्स्ट जाता है यार्डस्टिक रिपोर्ट. दिस इज यूज्ड टू प्रेजेंट सेवरल सॉल्यूशंस ऑप्शंस फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन. भाई ये जो रिपोर्ट है ये खासकर इसलिए बनाई जाती है कि आप सॉल्यूशन बता सके कि क्या क्या प्रॉब्लम है और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस है, तो इसको हम कहते हैं यार्डस्टिक रिपोर्ट. भाई ये आ जाता है क्या चीजें आपको करनी है बिफोर राइटिंग द रिपोर्ट. सो सबसे पहले आपको करनी है प्लान बिफोर यू राइट. प्लानिंग करनी है आपको, क्या चीजें लिखना है उसमें, उसकी प्लानिंग करनी है. नेक्स्ट जो है वो आपको करना है चेक फॉर एन इन हाउस फॉर्मेट. भाई हर कंपनी का, क्योंकि बिजनेस रिपोर्ट का कोई आज तक एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बन पाया. देर इज अ फॉर्मेट, बट थोड़ा सा एक आध कोई चीज ऊपर नीचे, कोई अपेंडिक्स डालता है, कोई नहीं डालता है, कोई समरी, समरी तो दो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोई टाइटल लिखता है, कोई नहीं लिखता, कोई किस तरीके से टाइटल लिखता है, तो ये सब इन हाउस जो कंपनीज होती है इनका अलग अलग होता है. तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे कि आपकी इन हाउस कंपनी किस तरीके के बिजनेस रिपोर्ट्स को फॉर्म करती है और आप स्पेसिफिकली किस तरह के रिपोर्ट्स के लिए यहाँ पर आए हैं मेरे पास. और अगर आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसी स्पेसिफिक रिपोर्ट है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए काम करूं या आपकी मदद करूं, सो डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू आउट विद दैट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स. सो थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ बने रहने के लिए. मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर. अगले पार्ट में मैं आपको यहां पर ये जरूर बताने वाली हूं कि किस तरीके के बिजनेस रिपोर्ट्स बनते हैं, क्या-क्या चीजें बिजनेस रिपोर्ट्स में एसेंशियल है, चाहे आपका टाइटल हो गया, चाहे आपका समरी हो गया, चाहे आपका अपेंडिक्सेस हो गए, उसके बाद फिर आप क्या चीजें लिख सकते हो अपने रिपोर्ट में, ये सब सारी बातें मैं आपके साथ करने वाली हूं. सो थैंक यू सो मच गाइज आपके बहुत सारे प्यार और सत्कार के लिए. सो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे एक बेहतरीन और शानदार बिजनेस रिपोर्ट लिखी जाती है.